बद्रीनाथ से मैं निकलने वाला हूँ माना विलेज के लिए। कहते हैं वो लास्ट विलेज है बॉर्डर के पास, जहाँ तक जाने दिया जाता है। तो वहाँ पे कुछ जगहें हैं देखने लायक, वो देख लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। और इस वक्त मैं हूँ अपने होटल के बाहर, जहाँ ये सामने सर्कुलर रोड नया नया बनाया जा रहा है। तो यहाँ अभी कटाव वटाव हो रहा है और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इस ओर है हमारा होटल अमृत तारा द अवध, अच्छी प्रॉपर्टी है। ये है चैनल रेन ए और मैं हूँ रैना, अनिल रैना। यहाँ से आसपास के पहाड़ों का नज़ारा तो बेहतरीन दिखता है, पर अभी हम चलते हैं माना की ओर। ये बद्रीनाथ की बाजार है, मेन मार्केट, और आगे पीछे और भी है, मंदिर से पहले का ही है ये। मंदिर का कहाँ से है रास्ता? दो तीन जगह से रास्ता है। दिखाया जय बद्री विशाल स्वागत सीमा सड़क संगठन, 3 किलोमीटर। यहाँ पे लिखा हुआ था माना 3 किलोमीटर। पीछे वहाँ से मंदिर जाने का रास्ता है और यहाँ से माना विलेज। वैसे मंदिर जाने के और भी 2-3 रास्ते होंगे ना बीच बीच में से, आगे से भी है वहाँ से गाड़ी खड़ी करके। तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और धुंध है, जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ओर जा रही है, वो उधर से व्यू बहुत अच्छा है। ये इलाका ऐसा है कि जहाँ पे कैंपिंग की जा सकती है। मन तो करता है कि कहीं पे कैंपिंग साइट वाइट ढूंढ के वहाँ पे बैठ जाया जाए, पर फैमिली आउटिंग पे निकले हुए हैं तो ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो मन तो बहुत कर रहा। देखिए व्यू देखिए, आपका भी शायद मन कर जाए। यहाँ पे ये बाइकर पैरापेट पे चढ़ के अपना फोटो शूट करवा रहा है। और हम पहुँचने लगे हैं नज़दीक इस साइड के लास्ट इंडियन विलेज के, जो है माना गाँव। ये यहाँ की पार्किंग है, यहीं तक ये आने देते हैं गाड़ियों को, यहाँ से फिर आगे जाना पड़ता है पैदल। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ हाइपर लैप, जिससे डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाए वीडियो में। ये बस घुस ही चुके हैं हम इस गांव में और देखते हैं आगे क्या क्या है। ये जो टोकरियां सी आप देख रहे हैं जिसमें ये बच्चे बैठे हुए हैं, इसे यहाँ के लोग कंडी कहते हैं। अगर कोई थक जाए या चल नहीं पाता हो दूर तक, तो वो इनकी सर्विसेज ले सकता है। ये बाजार तो खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ जी, क्या चीज? हाँ ये बताओ, ये आगे कहाँ तक है बाजार? बहुत आगे तक है क्या? हाँ। ये क्या यहाँ? अच्छा, ये यहाँ पे क्या मंदिर है? गाँव का मंदिर है। और आगे आगे कौन कौन सी जगह है? आगे गणेश गुफा है, व्यास गुफा है, भीमकुंड, सरस्वती। पास में सबसे पास में कौन सी जगह है? पास में सरस्वती और भीमकुंड पास में है, और गणेश गुफा, व्यास गुफा। अच्छा ठीक ठीक। तो सुन ही लिया आपने, मैंने किसी से पूछा था पहले ही, तो उसने बोला बस पास में ही है, थोड़ा दूरी पे। यहाँ पहुँच के पता चल रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ मैं थोड़ा सा रुक गया हूँ आपको आसपास का व्यू दिखाने के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी यात्रा चालू रखते हैं। आगे लगता है वाई जंक्शन है। ये जगह हैं जहाँ आप जा सकते हो यहाँ से, और डायरेक्शन भी दिखा रखी है इन्होंने। हम निकल चले लेफ्ट की ओर भीम पुल। इसे क्या बोलते हैं?
क्या वाली लकड़ी? तेज मल का लकड़ी, नजर बट्टू। नजर बट्टू, इसे नजर नहीं लगती? गेट पर लगवा। ठीक ठीक, गेट पर लगाओ। ठीक ठीक ठीक, तो समझे ना आप, ये नजर बट्टू है जो हट्टू है, हटा देने वाली, बुरी नजर को हटा देती है। जैसे हम वो चेहरे से बना के लगाते हैं ना, या कुछ लोग चप्पलें लगा देते हैं कि नज़र ना लगे, वैसे ये कुछ नज़र ना लगने के लिए है। ये इन्होंने भी खरीद रखा है एक, ये देखिए, ये नज़र बट्टू खरीदा है आपने, इसका क्या करेंगे आप? इसको लगाएंगे गाड़ी में, घर में लगाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, नज़र नहीं लगेगी फिर? नज़र नहीं लगेगी। ठीक है, ये नज़र हटवा रहे हैं अपना, उससे बुरी वाली। पहाड़ देखिए सामने, यहाँ का व्यू फर्स्ट क्लास है। जो सेल्फीज के शौकीन है ना, उनके लिए तो यहाँ पे पॉइंट ही पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट्स। देखिए वहाँ पे ऊपर की चट्टान थोड़ी सी बाहर है, तो इन्होंने उसी के नीचे अपनी दुकान लगा ली है, धूप और बारिश से बचने के लिए। गुड। ये कह रहे हैं कि ये सरस्वती नदी है, ये वाली, ये सरस्वती नदी है। और वो अलकनंदा है, वो अलकनंदा है, उधर वाली। तो सरस्वती और अलकनंदा के उस संगम स्थल को कहा जाता है केशवप्रयाग। अभी ये बता रहा है कि हमारे को ये भीम पुल ले जाएगा, इधर कहीं है भीम पुल। क्यों भाई? बिल्कुल, सरस्वती नदी के ऊपर भीम पुल है। हाँ, अच्छा। हाँ, ऊपर ये वसुधारा जाने के लिए। हाँ, भीम पुल लगा। अच्छा अच्छा, तो वसुधारा जाने के लिए वो रास्ता है। तो देखिए व्यूअर्स, वो रास्ता जो उधर से जाता है वो वसुधारा जाता है, और यहाँ कहीं पे भीम पुल है जिसको भीम ने बनाया है। कहते हैं उसने कुछ बड़ा सा पत्थर वहाँ पे रख दिया है, तो वो उसे कहते हैं भीम पुल। अभी देखते हैं कि क्या है वो। अरे वाह, ड्राइवर साहब आप भी आ गए, आप भी हमारे साथ चल रहे हो फिर? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, बोल रहे हैं हम, मैं पहाड़ी ट्रांसपोर्ट के साथ जा रहा हूँ, वो जो पीछे पिट्ठू है ना उसके साथ। यहाँ पे ये दुनिया जुमाए हुए हैं, माला जप रहे हैं। ये सरस्वती लग रही है यहाँ पे है, ये सामने सरस्वती है, उधर से बहुत ही जोरदार वो नदी बह रही है, सरस्वती नदी, और इस पे यहीं पे है भीम पुल, उसके बारे में मैं दिखाऊंगा आपको अपने अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो तक जुले, नमस्कार, सत श्री अकाल।